नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज कांग्रेस की बैठक में शामिल हुए। लोकसभा चुनाव और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर हुई कांग्रेस समिति की इस बैठक में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और विवेक तनखा समेत कई नेता शामिल हुए। कमलनाथ ने मीटिंग में कहा, हमारे प्रमुख कार्य राहुल गांधी जी की यात्रा और लोकसभा चुनाव की तैयारी है। राहुल गांधी की यात्रा की तारीख तय हो गई है। ये यात्रा पिछली बार से भी ज्यादा सफल साबित हो उस दिशा में काम करना होगा। हमने प्रभारी तो बना दिया है, लेकिन इसमें स्थानीय लोगों की बड़ी भूमिका होगी। जब यह स्थानीय लोग शामिल होंगे तो यह सफल होगी। यात्रा से जो वातावरण बनेगा वह पूरे देश में जाएगा और वातावरण बनना चुनाव में जरूरी है। आखिरकार अखिलेश यादव राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने उनका मंच से स्वागत किया। रैली में राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव दिखे। दोनों दलों ने पूरे प्रदेश में साथ मिलकर चुनाव लड़ने की घोषणा की और कहा कि वे बीजेपी को शिकस्त देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मंच से प्रियंका गांधी ने कहा, भारत जोड़ो नया यात्रा में अखिलेश यादव जी का स्वागत है। आज बहुत खुशी का दिन है। हम सब मिलकर देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ एक तस्वीर शेयर की है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, नफरत करने वालों को भी मोहब्बत सिखा देता है, ये आगरा है जनाब जो दो दिलों को मिला देता है। वहीं इस यात्रा के दौरान समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, आगरा शहर दुनिया में जाना जाता है, मुझे इस बात की खुशी है कि ये मोहब्बत की दुकान को लेकर चले हैं और ये पूरा शहर मोहब्बत का शहर है। आने वाले समय में लोकतंत्र और संविधान को बचाने की चुनौती है। हमें उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन और पीडीए की लड़ाई एनडीए को हराने का काम करेगी। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले राष्ट्रीय लोक दल के मुखिया जयंत चौधरी ने विपक्षी दल के इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर यूपी की सियासत तेज करती थी। इसी बीच अब जयंत चौधरी मछुरा पहुंचे हैं, अपने राजस्थान और यूपी के विधायकों के साथ बैठक की। इस बैठक के बाद जयंत चौधरी ने एनडीए में शामिल होने को लेकर कहा कि इस पर जल्द ही घोषणा होगी। वहीं उन्होंने कहा, इसके बाद ही पार्टी कितनी और कौन सी सीटों पर चुनाव लड़ेगी यह भी तय होगा। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में आप व कांग्रेस के बीच गठबंधन हो गया है, सीटों पर भी समिति बन गई है, मगर पंजाब में दोनों ही दल अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। इसी बीच पंजाब कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रताप सिंह बाजवा ने आपके लिए चुनाव प्रचार करने से मना कर दिया है। पंजाब के दिग्गज कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने रविवार को पटियाला में बयान दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि भले ही कांग्रेस का कुछ राज्यों में लोकसभा चुनाव में आपके साथ गठबंधन हो गया हो, लेकिन वह न हरियाणा और न ही दिल्ली और न ही कहीं भी आम आदमी पार्टी के समर्थन में प्रचार करेंगे। बता दें कि प्रताप सिंह बाजवा शुरू से ही आपके साथ गठबंधन के खिलाफ थे। देश में चुनाव का माहौल बना हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही 370 सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। अब पार्टी की ओर से रणनीति तय की जा रही है कि किस नेता को किस सीट से टिकट दिया जाएगा। इसी बीच वरिष्ठ भाजपा नेता और संसदीय बोर्ड के सदस्य बीएस येदुरप्पा ने रविवार को लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट को लेकर बड़ा दावा किया है। कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि हमें 3 या 4 दिन में पता चल जाएगा कि उम्मीदवार कौन है और क्या कोई बदलाव है। मुझे उम्मीद है कि पहली सूची 3 या 4 दिन में जारी हो जाएगी। संदेश खाली मुद्दे पर विपक्षी दलों की तरफ से आलोचना झेल नहीं, टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में वास्तव में लोगों की सेवा की है और पार्टी के दिशा निर्देश का पालन किया है। बशीरहाट से तृणमूल सांसद ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वीप पर शांति सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। नुसरत जहां ने एक्स पर पोस्ट कर ये टिप्पणी की है। उन्होंने एक अखबार की रिपोर्ट का कटआउट भी साझा किया, जिसमें संदेश खाली निवासियों के हवाले से कहा गया था कि वे उन्हें भूल गई हैं। सांसद ने लिखा कि शांति स्थापित करने के लिए एक साथ आने की जरूरत है।
उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर नकली कांस्टेबल पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक मामले में अभ्यर्थियों को जोरदार हंगामे के बाद योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा रद्द कर दी है। वहीं रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने युवकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले तत्वों को खुली चुनौती दी है। सीएम योगी ने कहा कि अब वे ना तो घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, उनके खिलाफ नजीर पेश करने वाली कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने पहली कार्रवाई शुरू कर दी है और एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। एसटीएफ ने अभ्यर्थियों को व्हाट्सएप पर सवालों के जवाब भेजने वाले आरोपी नीरज यादव को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक नीरज यादव बलिया का रहने वाला है। इसके बाद अब पुलिस नीरज को उत्तर कुंजी भेजने वाले मथुरा के रहने वाले एक आरोपी की तलाश में लगी हुई है। बता दें कि योगी सरकार ने शनिवार को ही पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द करने की घोषणा की थी। एसटीएफ ने सिपाही भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले की जांच शुरू कर दी है। एसटीएफ की टीम ने शनिवार को उस अभ्यर्थी अमन कुमार का मोबाइल कब्जे में ले लिया और जांच शुरू कर दी है, जो नकल करते हुए पकड़ा गया था। जांच का आधार अमन कुमार के मोबाइल पर व्हाट्सएप पर भेजे गए सवालों के जवाबों को बनाया गया है। 150 में से 147 सवालों के जवाब सही पाए गए हैं। एसटीएफ के सूत्रों के अनुसार हजरतगंज थाने में एक नई एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर एसटीएम की टीम द्वारा जुटाए गए तथ्यों के आधार पर की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के द्वारका में समुद्र में गहरे पानी के अंदर गए और भगवान श्री कृष्ण की नगरी के दर्शन किए। उन्होंने कहा, यह एक दिव्य अनुभव था। मोदी ने वेट द्वारका में भगवान द्वारकाधीश की पूजा भी की। इसके बाद उन्होंने ओखा को वेट द्वारका से जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु का लोकार्पण किया। इसके बाद उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने द्वारका की जनता को 52 करोड़ रुपए की सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर हैं। उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसी में एक अहम प्रोजेक्ट सुदर्शन सेतु है। 2.5 किलोमीटर लंबा ये पुल केवल पर टिका भारत का सबसे लंबा पुल है। ये ओखा मेनलैंड और वेट द्वारका द्वीप को जोड़ेगा। करीब 980 करोड़ रुपए की लागत से बना सुदर्शन पुल ओखा वेट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज के रूप में भी जाना जाएगा। ये पुल द्वारकाधीश मंदिर से आने वालों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। एनसीपी के संस्थापक शरद पवार ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों को जो गारंटी दी थी, उनसे जो दावे किए थे, वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। शरद पवार ने पुणे शहर में विपक्षी इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं की पहली सभा को संबोधित किया। इसमें महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष और शिवसेना नेता सचिन अहिर भी शामिल हुए। शरद पवार ने कहा, आज की सभा ऐतिहासिक है, महाराष्ट्र और देश में बदलाव दिखेगा। प्रधानमंत्री देश को एक अलग रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। देश के शासक लोगों की भलाई के लिए काम नहीं कर रहे हैं। किसान गहरे संकट में हैं। पवार ने कहा, आज मोदी की गारंटी कहाँ है? प्रधानमंत्री ने कई आश्वासन दिए थे, लेकिन वे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। यूपी की अम्बेडकर नगर सीट से लोकसभा सांसद रितेश पांडे ने रविवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संसद की कैंटीन में लंच करते हुए देखे गए थे। रितेश पांडे आज ही बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं। बता दें, बीजेपी मुख्यालय में वो बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। लोकसभा चुनाव में मायावती के नेतृत्व वाली बीएसपी को बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश में बीते कुछ दिनों के दौरान अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में बीएसपी सांसदों को लेकर कई तरह के दावे किए गए हैं। इन मीडिया रिपोर्ट्स में पार्टी के आधे से ज्यादा सांसदों के दूसरे दलों में जाने की चर्चा हुई है, लेकिन इतने दिनों में पहली बार मायावती ने इस मुद्दे पर अपनी खामोशी तोड़ते हुए टिप्पणी की और स्पष्ट संदेश दे दिया है। मायावती ने कहा, उम्मीदवारों का चयन काफी सोच समझकर किया जाना चाहिए, जैसे कि यूपी के संदर्भ में काफी गहनता के साथ किया जा रहा है। पार्टी उम्मीदवारों का केवल चुनाव जीतना ही काफी नहीं है, बल्कि चुनाव के बाद भी उनका बीएसपी पार्टी और मूवमेंट के प्रति वफादार, अनुशासित और कर्मठ बने रहना जरूरी है। उन्होंने भविष्य में अब उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी पार्टी का स्टैंड स्पष्ट कर दिया है। हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई हैं।
किसान आंदोलन के मद्देनजर कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, सिरसा, फतेहाबाद, जिंद और हिसार में इंटरनेट और SMS की सुविधाएं शुरू कर दी गई हैं। इन पर 13 तारीख को पाबंदी लगाई गई थी। इंटरनेट बैन होने से सबसे ज्यादा समस्या इन क्षेत्रों में छात्रों को आई, वहीं बिजनेस वर्ग के लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसी बीच लगातार इंटरनेट सेवाओं को बहाल करने की मांग उठ रही थी। जानकारी के लिए बता दें कि 29 फरवरी तक दिल्ली मार्च टाले जाने के ऐलान के बाद पुलिस ने दिल्ली बॉर्डर खोल दिया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से शनिवार को दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और चंडीगढ़ के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया है, जिसको लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी कांग्रेस और आप को घेरने में लगी है, जिस पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और आपके गठबंधन से बीजेपी को क्या दिक्कत हो रही है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में बीजेपी के जितने विधायक थे सब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गालियां देते थे, उनको अपशब्द कहते थे और आज वो उनके बगल में बैठे हैं। पंजाब में बीजेपी ने शिरोमणि अकाली दल से गठबंधन कर लिया था, लेकिन जब वो अलग हुए तो आप उनके परिवारवाद की बात करने लगे। अब चुनाव आया तो आप फिर से उनसे बातचीत कर रहे हैं, अपनी तरफ भी थोड़ा झांक कर देखिए। उन्होंने कहा कि जिनके घर खुद कांच के बने होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं उछालते। NCP सांसद सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे पर निशाना साधा है। छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर शरद पवार पर दिए गए बयान को लेकर सुप्रिया सुले ने राज ठाकरे को घेरा है। उन्होंने कहा कि शरद पवार का नाम लिए बना उन्हें पब्लिसिटी नहीं मिलती है। उन्होंने राज ठाकरे के साथ साथ महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस पर भी हमला बोला है। सुप्रिया सुले ने कहा कि सुर्खियों में बने रहने के लिए राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस दोनों शरद पवार के खिलाफ टिप्पणी करते हैं। MNS प्रमुख राज ठाकरे ने शरद पवार पर हमला बोलते हुए कहा था कि जिन्होंने कभी छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम तक नहीं लिया आज वो उन्हें याद करने में लगे हुए हैं। राज ठाकरे ने कहा था कि शरद पवार को पहले मुसलमानों के वोट बैंक की चिंता थी। 2024 के लिए कांग्रेस ने अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल के साथ सीट शेयरिंग का मामला सुलझा लिया है। ममता बनर्जी के साथ भी बात बनने की खबर है, लेकिन इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग गठबंधन के 3 सीटों की मांग पर अड़ी हुई है। यह पार्टी केरल में कांग्रेस के प्रमुख सहयोगी हैं। ऐसे में पार्टी ने यह तय किया है कि वह 3री सीट की मांग पर पीछे नहीं हटेगी। खबरों के अनुसार AIML के नेता कांग्रेस से नाराज है क्योंकि कांग्रेस उनकी मांग को अनदेखा कर रही है। हालांकि इसके बावजूद पार्टी को उम्मीद है कि कांग्रेस उनके पक्ष में फैसला सुनाएगी। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग संकेत दे चुकी है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। अब तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए satyahindi.com पर।